हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग लेसन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूं। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, मफलर, शॉल, स्टोल, इन सभी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। इन सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको दो के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। दो के मल्टीपल देखिए, दो फंदे गिन लीजिए, फिर से दो, फिर से दो, फिर से दो, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपका एक फंदा होना चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है, दो सिलाइयों का डिज़ाइन है और चार सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए फंदे बढ़ाने हों तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिए हैं 25 फंदे, दो के मल्टीपल करके एक फंदा एक्स्ट्रा लिया है। बॉर्डर के बाद जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई है वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी पहली सिलाई कैसे बनेगी। तो फ्रेंड्स, पहली सिलाई है और सीधी साइड है। पहला फंदा इसका एस्टिच है, उतारिए या बनाइए, मैं हमेशा ही उल्टा बना कर लेती हूँ। धागा अपनी तरफ ही रहे, सिलाई पर इस तरह से धागा लपेट लेंगे और दो फंदे का एक फंदा कर देंगे। अब देखिए, इस एक फंदे को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक ये जो दो फंदे का हमने डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे। सिलाई पर इस तरह से धागा लपेट लेंगे और दो फंदे का एक कर देंगे। फिर से धागे को इस तरह से सिलाई के ऊपर लपेट लेंगे और दो फंदे का एक फंदा कर देंगे। पूरी सिलाई उल्टी ही बनेगी और इसी तरह से बनेगी। सिलाई पर इस तरह से धागा लपेट लेंगे और दो फंदे का एक कर देंगे। जो फंदा यहाँ पर कम हो रहा है वो जाली से वापस बढ़ रहा है। फिर से सिलाई पर इस तरह से धागा लपेट लेंगे और दो फंदे का एक फंदा इस तरह से उल्टा बुन देंगे। फिर से इस तरह से सिलाई पर धागा लपेट लेंगे और दो का एक कर देंगे। फिर से सिलाई पर धागा लपेट लेंगे और दो का एक कर देंगे। पूरी सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बुनते जाना है और ऐसे ही पहले सिलाई पर धागा लपेट लेंगे, फिर दो फंदे का एक कर देंगे। फिर से सिलाई पर धागा लपेट लेंगे और दो का एक कर देंगे। ये डिज़ाइन बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है। देखिए, सिलाई पर धागा लपेटेंगे और दो का एक कर देंगे। फिर से सिलाई पर धागा लपेट लेंगे और दो फंदे का एक कर देंगे। फिर से सिलाई पर धागा लपेट लेंगे और लास्ट के दो फंदे का भी एक कर देंगे। डिजाइन की पहली सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड। इस डिजाइन की उल्टी सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनेंगी, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को इस तरह से उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, दूसरी सिलाई उल्टी साइड से मैंने इसकी उल्टी बना ली है। दो सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। बनानी हमने यही दो सिलाइयाँ हैं, सिर्फ यहाँ से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए, पहला फंदा इसका एस्टिच है, उतारिए या बनाइए। इस दूसरे फंदे को हम यहाँ पर उल्टा बना लेंगे और सिलाई पर इस तरह से धागा लपेट देंगे और ये देखिए, ये फंदा और ये जाली, इन दो फंदे का यहाँ पर एक फंदा कर देंगे। फिर से इसे रिपीट करेंगे, सिलाई पर धागा लपेट लेंगे, दो फंदे का एक कर देंगे। फिर से रिपीट करेंगे, सिलाई पर धागा लपेट लेंगे और दो फंदे का एक कर देंगे। इसमें दोनों साइड से सिलाइयाँ उल्टी ही बनानी है, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। ये देखिएगा, सिलाई पर धागा लपेट लेंगे और दो फंदे का एक कर देंगे। फिर से सिलाई पर धागा लपेट लेंगे और दो का एक कर देंगे। ऐसे ही करते हुए इस सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। और फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन में ना तो ऊन ज़्यादा लगती है, क्योंकि इसमें यहाँ से बॉर्डर के बाद जो फंदे बढ़ाने हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट में आपको 10 फंदे बढ़ाने हों तो इसमें 6 से 7 फंदे ही आपको बढ़ाने होंगे। तो इसमें जो ये स्ट्रेचेबल हमारा डिज़ाइन है, ऑटोमेटिक आपका साइज़ कंप्लीट बन जाएगा। तो इसमें फंदे भी आपको कम बढ़ाने हैं, नॉर्मल ऊन लगेगी, ज़्यादा ऊन भी नहीं लगेगी और बनाने में तो बहुत ही आसान है। इस तरह से करते हुए इस सिलाई को अब हम कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई पर धागे को लपेट लेना है इस तरह से, और ये देखिए, ये फंदा है और ये जाली है, तो इन दोनों का एक फंदा कर देंगे।
सिलाई पर धागा लपेट लेंगे, ये फंदा है और ये जाली है, इन दोनों का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। लास्ट में तीसरी सिलाई पर ये एक फंदा बचेगा, इसे हम उल्टा बुन देंगे। तीन सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है। पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो इस सिलाई को मैं उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चार सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो चुकी हैं। यही चार चार सिलाइयाँ इसमें बार बार रिपीट करते जाना है, तो आपका इस तरह से ये सुंदर सा डिजाइन बनता चला जाएगा। तो चलिए एक बार फिर से इस डिजाइन को रिपीट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, पहला फंदा इसका एस्टिच है, उतारिए या बनाइए ये आपकी अपनी मर्जी है। ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो रही है। सिलाई पर इस तरह से पहले धागा लपेट लेंगे, ये देखिए यहाँ से ये फंदा दिखेगा और ये जाली दिखेगी, तो इसको हम दो का एक कर देंगे। फिर से सिलाई पर धागा लपेट लेंगे और यहाँ दो फंदे का एक कर देंगे। फिर से सिलाई पर धागा लपेटेंगे और दो का एक कर देंगे। इस तरह से करते हुए इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में भी यहाँ सिलाई पर धागा लपेट लिया है और ये लास्ट के दो फंदे का एक कर देंगे। तो ये इसकी नेक्स्ट बार की पहली सिलाई बन चुकी है। उल्टी साइड से इसकी सिलाई पूरी उल्टी ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब आप बार बार इन्हीं चार चार सिलाइयों को रिपीट करेंगी तो आपका ये बहुत ही सुंदर सा फ्लेक्सिबल डिजाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।